हेलो एशिया और तो स्वागत है आपको और एक नए मजेदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ जनवरी मंथ का पेपर्स का फुल रिव्यू। और जनवरी मंथ के पेपर्स के अंदर कौन से बंडल्स आने वाला है वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगी। साथ में आप लोग को फरवरी मंथ का पेपर्स का फिर रिव्यू आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑन कर लेना। और साथ में आप लोग को स्पेशल गोल्ड रॉयल का रिव्यू कराने वाली हूँ। और इंडिया सर्वर के अंदर स्पेशल गोल्ड रॉयल कप आएगा और इसके अंदर क्या क्या रिवॉर्ड आने वाला है ये मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलो इस वीडियो का टाइम वेस्ट क्या करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले देखो ओवी 47 अपडेट के बाद आने वाला है पुष्पा मूवी 2 का न्यू इवेंट पुष्पा इवेंट्स। इसके अंदर आप लोग को देखो ये सारे रिवॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। पुष्पा का आप लोग को मेल का बंडल देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप लोग को शर्ट पैंट हेयर स्टाइल और फेस मास्क भी मिलेगा। साथ में आप लोग को ब्राउन की स्किन देखने के लिए मिलेगी और बैट की स्किन भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। और साथ में आप लोग को पुष्पा की गाड़ी की ट्रक गाड़ी की स्किन देखने के लिए मिलेगी। और पुष्पा का आप लोग को ग्लोअल का स्किन भी देखने के लिए मिलेगा जिसमें पुष्पा का पिक होगा साथ में पुष्पा लिखा हुआ होगा। और आप लोग को पुष्पा का झुकेगा निशाना वाला इमोटिव भी देखने के लिए मिलेगा। सो ये सारे रिवॉर्ड आप लोग को पुष्पा इवेंट में देखने के लिए मिलेगा। और पुष्पा मूवी रिलीज होने वाली है 5 दिसंबर को पुष्पा 2। सो आप लोग को 5 दिसंबर तो आप लोग को जो 10 दिसंबर के बाद से आप लोग को जो पुष्पा इवेंट के आइटम्स है आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया पीडी सर्वर के लिए आप लोग को नेक्स्ट वाला जो मुकेश्वर आने वाला है 28 नवंबर को जिसके अंदर आप लोग को FFWS इवेंट स्पेशली न्यू नहीं ओल्ड वाला ये वाला जो ड्रैगन वाला पोर्टफल एनिमेशन इमोट है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है पोर्टफल एनिमेशन इमोट। और ये FFWS इवेंट स्पेशली आया था 2022 में। सो ये इसका जो स्क्रीन का स्किन है ना ये फिर आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट फेटवेल नहीं नेक्स्ट मुकेश्वर के अंदर आप लोग को 28 नवंबर को ये ड्रैगन वाला स्क्रीन का स्किन और साथ में आप लोग को इसके जो ड्रैगन वाले पोर्टफल एनिमेशन इमोट ही खतरनाक सी ये आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिल जाएगी 99% कंफर्म है इंडिया पीडी सर्वर के अंदर। और नेक्स्ट अपडेट है आप लोग को विंटरलैंड इवेंट स्पेशली इंडिया पीडी सर्वर के अंदर नया स्पेशल गोल्ड रॉयल देखने के लिए मिलने वाला है जिसके अंदर आप लोग को ये वाला मेलका बंडल देखने के लिए मिलेगा जिसका आप लोग हेयर जैकेट वगैरह देख सकते हो। बहुत ही अच्छे खासा मेलका बंडल है और ये मेलका बंडल आप लोग को नेक्स्ट स्पेशल गोल्ड रॉयल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ये स्पेशल गोल्ड रॉयल विंटरलैंड इवेंट स्पेशली आने वाली है जिसके अंदर आप लोग को ये वाले फीमेल के बंडल भी पॉसिबल है। आप लोग को ये फीमेल के बंडल भी देखने के लिए मिल सकती है जिसका टॉप हेयर बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा का पूरा बंडल ही बहुत ही अच्छा है। साथ में आप लोग को ये वाली जो बैकपैक की स्किन है विंटरलैंड इवेंट के थीम में ये आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है नेक्स्ट स्पेशल गोल्ड रॉयल के अंदर में। साथ में आप लोग को ड्रैगन की जो ये वाली स्किन है ये भी आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में स्पेशल गोल्ड रॉयल के अंदर में देखने के लिए मिल सकती है। और साथ में आप लोग को ये वाला जो जैकेट है विंटरलैंड इवेंट स्पेशली फ्री में मिला था अगले साल ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। गोल्ड रॉयल के अंदर आप लोग का जो इमोट है ये भी आप लोग को पॉसिबल है ये इमोट भी पॉसिबल है आप लोग को स्पेशल गोल्ड रॉयल के अंदर में देखने के लिए मिल सकता है जो विंटरलैंड इवेंट स्पेशली है। और बाकी स्पेशल गोल्ड रॉयल आप लोग को विंटरलैंड इवेंट स्टार्ट होगा 20 नवंबर के बाद इंडिया पीडी सर्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और 20 नवंबर के बाद आप लोग को ये वाला जो लुक चेंजर बंडल है विंटरलैंड इवेंट स्पेशली आया था 2023 में ये वाला लुक चेंजर बंडल आप लोग को इस विंटरलैंड इवेंट स्पेशली आप लोग को पॉसिबल है। ये वाला लुक चेंजर बंडल पॉसिबल नहीं 99% कंफर्म है आप लोग को इस विंटरलैंड इवेंट स्पेशली ये वाला जो लुक चेंजर बंडल है इसका रिंग इवेंट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा रिटर्न में। और रिंग इवेंट के अंदर एक लुक चेंजर का बंडल ही होगा नहीं तो आप लोग को और एक बंडल देखने के लिए मिल जाएगा विंटरलैंड इवेंट की थीम में कोई सा भी एक तरफ। और बाकी जो लुक चेंजर बंडल है रिटर्न में ये भी आप लोग को 20 नवंबर के बाद विंटरलैंड इवेंट स्पेशली ही देखने के लिए मिलेगी गेम के अंदर। और नेक्स्ट अपडेट के आया है नारुतो इवेंट के रिगार्डिंग। नारुतो इवेंट स्टार्ट होने वाला है 2025 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आप लोग को नारुतो इवेंट स्पेशली 5 बंडल देखने के लिए मिलेगा। और नारुतो बंडल का आप लोग को लुक चेंजर बंडल देखने के लिए मिलेगा खतरनाक सा
साथ में आप लोगों को नरूटो का ये वाला जो फेस मास्क है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथ में आप लोगों को जो चाकू की स्किन है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और गेम के अंदर आप लोगों का जो मॉइस्चर है ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और नरूटो इवेंट स्पेशली आप लोगों को पॉसिबल है ग्लूल के स्किन और फिश के स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। और नरूटो का इवेंट स्टार्ट होने वाला है जनवरी से। और बाकी चलोगे इसमें आप लोगों को जनवरी मंथ का वापस का भंडार सिखाती हूँ। जनवरी मंथ के वापस के अंदर आप लोगों को ये मेल का और फीमेल का बंडल देखने के लिए मिलेगा जो पूरा ही फूड या थीम में है। और यहाँ पे सैलरी है ये तो कपड़ा। और बाकी आप लोगों को जो मेल और फीमेल का बंडल है जनवरी मंथ का वापस का ये कैसा लगा कमेंट में बताना। मुझे तो फीमेल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेल काफ़ी अच्छा है। और साथ में आप लोगों को जनवरी मंथ के वापस के अंदर में और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। जनवरी मंथ के वापस के अंदर आप लोगों को ये वाले स्काई फूड की स्किन देखने के लिए मिलेगी। और ये वाले स्काई फूड की स्किन तो बहुत ही अच्छा है। साथ में आप लोगों को और एक स्काई फूड की स्किन देखने के लिए मिलेगी। और ये स्काई फूड की स्किन में जनवरी मंथ के वापस के अंदर आने वाली है जो ठीक ठाक है। फिर आप लोगों को जिप की स्किन देखने के लिए मिलेगी। और जो जिप की स्किन है ये भी बहुत ही अच्छा खासा लग रहा है ये जनवरी मंथ के वापस के अंदर आने वाला है। और गाइस जनवरी मंथ के वापस के अंदर आप लोगों को और फिर रिवॉर्ड और इमोट भी देखने के लिए मिलेगा जिसका अभी रिव्यू निकल के नहीं आया है। जैसे ही आएगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। जैसे ही आएगी क्या बोल रही हूँ मैं आप लोग को 2 दिन के बाद में जो जनवरी मंथ का वापस है इसका फुल रिव्यू मिल जाएगा। और कौन सा इमोट आएगा ये फिर मैं आप लोग को दिखा दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखो। और चलो भाई सभी मैं आप लोग को फरवरी मंथ का वापस सिखाती हूँ। फरवरी मंथ के वापस के अंदर आने वाला है डिलीवरी के वाले के बंडल्स। लाइक आप लोग जिससे भी ऑर्डर करते हो जोमेटो ये वो से आप लोग ऑर्डर करते हो तो जो डिलीवरी बॉय पहन के आता है ना वैसा बंडल्स आप लोग को डिलीवरी बॉय वाला जो बंडल है ना ये आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है फरवरी मंथ के वापस के अंदर। जिसमें आप लोग को मेल और फीमेल का जो AI में पिक आप लोग देख सकते हो सेम ऐसे ही बंडल्स का अभी जल्दी वीडियो क्लिप निकल के आ जाएगा तो दिखा दूंगी। बाकी फरवरी मंथ के वापस के अंदर ये दोनों डिलीवरी वाले मेल और फीमेल का बंडल आने वाला है जो आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ। और फरवरी मंथ के वापस के अंदर आप लोग को ये वाली गाड़ी की स्किन देखने के लिए मिलेगी जो गाड़ी का स्किन है बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में फिर आप लोग को ये वाली स्काई पट की स्किन देखने के लिए मिलेगी जो पार्सल वाला लाइक आप लोग पार्सल खोलते हो ना डिलीवरी वाला आने वाला है जो पार्सल देता है वैसे स्काई पट का स्किन है मस्त। इसमें एनिमेशन आ रहा है। फिर आप लोग को लोकेशन होता है ना डिलीवरी का तो वो लोग लोकेशन देख के आता है सो ये वाला लूटबॉक्स भी आने वाला है। फिर आप लोग को ये वाले जो यहाँ पे लूटबॉक्स है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी फरवरी मंथ के वापस के अंदर ही जो लोकेशन है जो स्टोरेज का। और बाकी मुझे अच्छा खासा लगा। और ये जनवरी मंथ के वापस के अंदर तो आप लोग को फूड या बंडल्स देखने के लिए मिलेगा। जो फीमेल का बंडल है इसका हेयर वगैरह भी बहुत ही अच्छा खासा और नीचे का भी बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रॉक। और बाकी आप लोग को मेल का भी अच्छा खासा टी शर्ट और पैंट मिल जा रहा है। बाकी मेल का उतना अच्छा नहीं है बट आप लोग को जनवरी मंथ का वापस के अंदर ये दोनों मेल और फीमेल का बंडल देखने के लिए मिलेंगे। और साथ में आप लोग को फरवरी मंथ के वापस के अंदर जो डिलीवरी बॉय वाला बंडल है पीपल और बॉय का ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा मेल और फीमेल का डिलीवरी करने वाले के बंडल्स डिलीवरी बॉय का। और बाकी आप लोग को जो जनवरी मंथ का वापस का बंडल है ये अच्छा लगा या फिर आप लोग को फरवरी मंथ का वापस का बंडल अच्छा लगा आप लोग कमेंट में बताओ। और बाकी मेरे को तो दोनों ही मंथ का वापस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और 2 दिन के बाद आप लोग को पूरा ही फुल रिव्यू मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलो गाइस बाय बाय।